मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। मैं रेल मंत्री और साथ साथ में हरियाणा का सांसद होने के नाते हरियाणा आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहता हूँ। कोई ऐसी कोई लड़की हो जिसकी शादी करके कितने साल भी बीते हो, वो अपने मायके को नहीं भूल सकती। इसी तरह से मायके आने का मौका यदि कोई लड़की को कभी मिलता है तो दौड़ के आती है। मेरे लिए भी यही बात है कि हरियाणा आने का मौका मिलता है तो मैं बहुत खुशी से आने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए आज आने का वापस मौका मिला, इसके लिए मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। वैसे हमारी भारतवर्ष को, पूरी हमारी हजारों साल से चलने वाली संस्कृति को कितने साल बीत गए इसके बारे में अलग अलग अनुमान लगाते जाते हैं, लेकिन ऋग्वेद में भी जिसका जिक्र किया है वो है हरियाणा से सीमित जागातर के बारे। इसके लिए सबसे यदि पुण्य भूमि होगी, सबसे यदि सब जगह पे जिसने ज्यादा बहुत बड़े देवताओं ने संचार किया होगा, ऐसी भूमि का नाम है हरियाणा। इसके लिए यहाँ आने के लिए दोबारा मेरे को जो मौका मिला इसके लिए मैं रियली खुद को बहुत ही आनंद मानता हूँ। ये आज एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। अभी अभी कोच एयर कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया गया, शिलान्यास हुआ। वैसे दुर्भाग्य से रेल के बारे में बहुत सालों से हम प्रोजेक्ट की घोषणाएं करते थे और हमें लगता था कि कुछ प्रोग्रेस प्रोजेक्ट के बारे में कहना यही प्रोजेक्ट है, यानी किसी चीज के ऐलान कर दिया तो समझ गए कि ऐलान हो गया ना, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो लोगों को भी ऐसे लगने लगा कि ऐलान ही होते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है। और इसलिए ऐसे बैकग्राउंड के ऊपर हमने रेल बजट बनाया। रेल की काफी सालों से बड़ी पुरानी समस्या है। आज जो रेल के सफर में लोगों को अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसकी वजह है कि रेल में हमने बहुत सालों से निवेश नहीं किया। रेल की सेवाओं को बेहतर बनाना है, रेल की स्पीड को बढ़ाना है, रेल में कोई भी हादसे ना हो उसकी कोशिश कर रही है। ये सभी चीजों को करने के लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है, और निवेश करने में हमारे साथ साधन बहुत सीमित थे। एक तो किराया बढ़ाया जाए, या जो माल बोने का काम होता है उसकी कीमत बढ़ाई जाए, या तो वित्त मंत्रालय से पैसे लिए जाए। दुर्भाग्य से तीनों चीज इतनी कठिन बन गई है कि इसके लिए किसके कारण पैसे जोड़े जाए, और हम कितने भी बढ़ाएंगे तो उसके वजह से जो धन की जरूरत है वो धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने तय किया कि हमने पहले 5 साल में क्या होना चाहिए जिससे रेल की बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती है, उसके बारे में सोचा। इसमें से एक बात थी, पटरियों को रिनोवेट करना चाहिए। जहां जहां पे एक सिंगल लाइन चलती है वहां दूसरी लाइन लगानी चाहिए। दूसरी लाइन चलने के बावजूद भी ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि अभी यातायात करने में दिक्कत आती है, वहां तीसरी लाइन लगानी चाहिए। जहां पे हमारे कोचिस है, हमारे लोकोमोटिव है, उसको आधुनिकीकरण करना चाहिए, सिग्नलिंग व्यवस्था को बदलना चाहिए। यदि ये सभी चीज करनी है तो 5 साल में हमें कितने धन की जरूरत होगी हमने सोचा। फिर हमने देखा कि 8.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, और इसलिए 8.5 लाख करोड़ का बजट हमने पार्लियामेंट के सामने रखा। लोगों को स्वाभाविकता ऐसी चिंता थी कि पैसे कहां से आएंगे, तो हमने उसी समय कहा था कि LIC, वर्ल्ड बैंक ऐसे जो मल्टीलैटरल से पैसे धन जोड़े जाएंगे। और आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि जो हमने पूरी योजनाएं बनाई थी उसके उसको कार्यान्वित करने की शुरुआत भी आज ही हुई है। आज दिल्ली में हमने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने हमें पहला चेक भी आज हमें दे दिया। आज यदि हम एक काम पूरा करते हैं 5 साल में, तो अगले 5 साल में हमें उससे भी दुगुना निवेश करने की जरूरत हो। ये यदि हम करते हैं तो 10 साल के बाद आप देख पाएंगे कि जब हम चीन के साथ हमारी देश की रेल की तुलना करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। चीन ने जिस तरह से तरक्की की वो देखकर हम अचरज में पड़ जाते हैं। लेकिन सही देखा जाए तो जो निवेश की बात मैंने अभी कही लगने में तो बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि हमने कभी इतना किया ही नहीं। लेकिन चीन ने हर साल पिछले 30 साल लगातार इतना निवेश किया जो हम 5 साल में करेंगे उन्होंने हर साल किया। उसकी वजह से चीन में आज परिवर्तन आया। यदि हम भी नहीं करेंगे और चीन के साथ तुलना करते रहेंगे तो अच्छा है, कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में तुलना चलती रहेगी,
लेकिन आम जनता को उसका लाभ नहीं मिलेगा। और यह सोच के हमने काम की शुरुआत की, और मुझे कहने के लिए खुशी है कि जो भी हमने बजट में कहा था उसके हर पॉइंट के ऊपर अमल किया जा रहा है। 90 मुद्दों के ऊपर तो पूरी तरह से अमल हो चुका है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरी तरह से रेल को कार्यान्वित करेंगे, रेल को पटरी पे लाने का काम करेंगे, और सिर्फ पटरी पे नहीं आएगी तो दौड़ने का भी काम हम करेंगे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि देश को बढ़ाना है तो रेल को बढ़ाने की जरूरत है, और देश आगे बढ़ेगा तो रेल नहीं बढ़ेगी तो देश नहीं बढ़ेगा, और रेल बढ़ेगी तो देश स्वाभाविकता ही बढ़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि रेल अपना काम इस तरह से करेगी कि जिस तरह से रेल की सभी समस्या जो आज आपको दिक्कत में दिखाई देती है उसको दूर करने का काम हम जरूर करेंगे। आज यहां पर जो कार्यक्रम किया दुष्यंत जी ने सही कहा कि जब हम कोई नया प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो उसको बजट में पहला प्रोविजन करना पड़ता है। बजट में आएगा ही नहीं प्रोजेक्ट का नाम तो हमारे पास पैसे भी होंगे लेकिन वो खर्च नहीं कर पाते, इसके लिए हम उसको एक प्रोविजन करना पड़ता है। जैसे कि आपको याद होगा कुछ साल पहले मेरे पूर्व रेल मंत्रियों ने ऐसा ऐलान किया था कि हरियाणा में कोच फैक्ट्री लगेगी, तो मैं भी बहुत खुश था। तो मैंने पूरे मैं भी इसी स्टेट का सांसद बन गया हूँ, तो अभी यहाँ कोच फैक्ट्री लग रही है, तो मैंने कहा चलो अभी तक क्यों नहीं लगी। तो मैंने कहा ये तो बजट में तो अनाउंसमेंट हो चुकी थी लेकिन उसके लिए कोई भी बजट में प्रावधान नहीं किया, यानी अनाउंसमेंट हुई थी लेकिन बजट में प्रावधान नहीं, इसके लिए कोच फैक्ट्री कभी बनी ही नहीं। अभी उसको किस तरह से लाएंगे उसके बारे में सोच रहे हैं, अभी मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन इस कोच केयर सेंटर के लिए, कोच केयर कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोगों ने बजट में एक टोकन प्रोविजन की थी, लेकिन आज री अप्रोप्रिएशन करके इस साल में ही हमने 60 लाख से भी ज्यादा धन इस कार्यक्रम के लिए दिया है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इसके और भी जो धन की जरूरत होगी वो धन कभी भी कम नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट हम कम से कम समय में जल्दी से जल्दी उसको पूरा करके छोड़ेंगे। इसका लाभ यह होगा कि यहाँ से अच्छी लंबी लाइन की ट्रेन छूटने की शुरुआत हो जाएगी। 24 क्या कोचिस के होंगे होंगे, लेकिन हमने CRS जो सेंटर रेल सेफ्टी कमिश्नर है उनको हमने विनती किया कि 28 कोचिस भी लगाने को हमको परमिशन दे दीजिए। ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 26 नहीं 28 कोच का भी धुलाई का काम यहाँ पर भी हो सकेगा। साथ साथ में हमने ये तय किया है कि जहां भी हो सके वहां पर एक दो लोग, क्योंकि ये हमारा जो इलाका है, हमारा जो हरियाणा राज्य है, ये राज्य पूरे देश को खाना खिलाता है। हरियाणा के किसान मेहनत करते हैं सिर्फ अपने आमदनी के लिए नहीं लेकिन लोगों की भूख मिटाने के लिए भी मेहनत करते हैं। तो इसलिए ये जो किसान है उनको भी ये जानकारी मिले कि पूरे देश में क्या हो रहा है, और राज्यों में जो लोग है यहाँ है वहां के किसान, और देखे कि यहाँ के किसान किस तरह से तरक्की करते हैं। तो जानने के लिए हमने ये तय किया था, मैंने बजट में भी कहा था कि हम नई किसान ट्रेन की शुरुआत करेंगे, और वो भी किसान ट्रेन की शुरुआत हमने कर दी। और मैं आपको विनती करता हूँ कि यहाँ से यदि कोई किसान और राज्यों में जाना चाहेंगे तो उसके लिए भी एक प्रावधान हमारी तरफ से किया जाएगा। ये सोच के थोड़ा किराया भी देना पड़ेगा क्योंकि रेल आपके नाम पे ही चलती है, आप ही की अमानत है, तो रेल चलाने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। लेकिन ये भी काम करने की हमने शुरुआत की है, और ये जो अभी क्लीनिंग ये कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद भी किसान के लिए एक दो और भी डिब्बे लगाए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए एक डेमू ट्रेन विवाह छुटने की जो संभावना है ये असलियत में आएगी जब ये पूरी तरह से ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमने ये बजट में भी मैंने कहा था कि विद्युतीकरण के लिए हिसार बतिंदा हमारे गलवाड़ी जैसलमेर, इस बजट के लिए हमने 1573 किलोमीटर के लिए इसकी पूरी अमानत पूरा निवेश 1423 करोड़ होगा, उसके लिए भी हमने विद्युतीकरण काम की बजट में प्रोविजन की है, उसका काम भी हमने शुरू कर दिया और वो भी काम बहुत ही जल्द हो जाएगा। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसके बारे में मेरे मित्र डॉक्टर कमल गुप्ता जी और मेरे साथी दुष्यंत चौटाला जी ने भी बताया। तो हमने यह तय किया देश के इतिहास में प्रथम समय कि हम राज्य सरकारों के साथ रेलवे एक नई कंपनी बनाएगी। आज तक रेलवे एक केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार ने स्वाभाविकता ये चाहती है कि रेलवे और कुछ करे, लेकिन करने के लिए रेल के साधन भी सीमित है,
और हर जगह से एक शिकायत आती है कि आपने हरियाणा के लिए किया लेकिन पंजाब के ऊपर आपने अन्याय कर दिया। पंजाब के लिए करेंगे तो उत्तर प्रदेश कहता है उनके लिए किया, हमारे लिए उसका कोई लाभ नहीं मिला। तो हमने सोचा कि सभी राज्यों के लिए हम एक अलग अलग कंपनी बनाएंगे जिसमें राज्य सरकार भी कुछ पूंजी लगाए, हम भी लगाएंगे और हम बाहर से पैसा लेकर उसको पूरी तरह से कम पूरा कर देंगे। यहाँ के सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने इस बात को तुरंत मान्यता दी और मैं समझता हूँ हमारी कोशिश रहेगी, ये सबसे पहली कंपनी जो अभी शुरू होगी, 17 राज्यों ने उसके लिए मान्यता दे दी है, मेरे पास सभी राज्यों के खत भी है। लेकिन पहली राज्य की शुरुआत शायद हम यदि हो सके तो हम हरियाणा से ही करेंगे और ताकि ये सभी योजनाएं जो आपने कही है वो भी पूरी करने के लिए हमें उसका लाभ हो। वैसे देखा जाए तो ये बजट में हरियाणा राज्य को जो जिसके लिए हमने पूंजी लगाई है वो शायद पिछले साल की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा, 2.5 गुना से भी ज्यादा है, यानी थोड़ी बढ़ाई है। लेकिन मैं जरूर समझता हूँ क्योंकि और लगाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सालों का बैकलॉग बाकी है, कितने सालों से जो काम होने की जरूरत ही नहीं हो गया, इसलिए आज लोगों की जरूरत भी ज्यादा है। जैसे कल धोनी जब बैटिंग करने को आया तो वो बैटिंग तो अच्छा कर रहा था लेकिन आस्किंग रेट इतना बढ़ गया कि धोनी कितनी भी अच्छी बैटिंग करेगा लेकिन मैच तो जीत नहीं पाए। इसलिए मैं समझता हूँ जब तक हम और ज्यादा निवेश नहीं करेंगे तब तक ज्यादा निवेश की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि पिछले काफी सालों से चला हुआ जो सिलसिला है उसको तोड़ना पड़ेगा। इसकी कोशिश पूरी तरह से की जा रही है और इसलिए मैं समझता हूँ ये भी काम हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। सूर्य नगर का आरोपी की बात आपने की, आपने मुझे डॉक्टर गुप्ता जी ने भी कहा था, आपने भी कहा है, सुभाष चंद्र जी भी आने के समय कह रहे थे तो मैंने कहा आप सब लोग कोई तो सूर्य को नमस्कार करते बिना दिन की शुरुआत भी नहीं कर सकते तो सूर्य को कैसे भूल सकते, सूर्य को भूलना तो संभव ही नहीं है। तो मैं आपको जरूर वादा करता हूँ, मैंने जनरल मैनेजर को भी कह दिया, विश्व की कोई भी कंपनी आके उसको डेवलप करे इस तरह से एक नई नीति बनाइए उसके लिए पूरी तरह से डेलीगेटेड पावर हमने जनरल मैनेजर को बहाल कर दिया, यानी ऐसा काम कोई भी नहीं होगा कि दिल्ली में बैठ के कोई तय करेगा और उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो। इसके बहुत सारे कदम उठाए गए इसके बारे में अभी मैं जिक्र नहीं करता हूँ लेकिन पूरी तरह से इंटरनेट वेब बेस्ड कार्यक्रम होगा, उसमें हिसार स्टेशन भी, इसलिए मैं समझता हूँ हिसार स्टेशन भी बहुत ही जल्द एक अच्छी तरह से डेवलप करेगा। लेकिन उसके लिए आप जैसे कोई इंडस्ट्रियस आदमी को आगे आना पड़ेगा, मैं विश्वास रखता हूँ वो आने की भी आप कोशिश करेंगे। अभी हसी टू रोहतक नई लाइन जो 70 किलोमीटर की बननी है उसके बारे में आपने कहा, तो ये बात हसी की बात हम हसी में नहीं डाल सकते, उसको सीरियसली लेना पड़ेगा ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसके लिए मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ कि हम इस लाइन को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारी पहले ही चले लाइन एक्विजिशन का थोड़ा सा इशू है, यहाँ के सभी लोग मदद करें ताकि ये कार्यक्रम भी हम बहुत ही जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये कि हरियाणा जैसा राज्य यहाँ के किसान के मेहनत के कारण इतना तरक्की कर पाया, यदि हम राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर पूरी तरह से इन लोगों की मेहनत को बल देने के लिए हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं तो हरियाणा कहां से कहां तक पहुंच सकता है। और वो करने के लिए जो भी जरूरत जो भी मदद केंद्र सरकार की तरफ से चाहिए वो हम पूरी तरह से देंगे। रेलवे तो मैं मानता हूं हरियाणा हमारे लिए एक बहुत ही प्रायोरिटी स्टेट है और उसको किसी भी हालत में जो भी जरूरत होगी उसको कम पड़ने नहीं देंगे, ये मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूँ। और आपको दोबारा कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें कही गई है, ये दुष्यंत जी ने कभी कही है, हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने भी कही है, सुभाष जी ने भी उसके बारे में कहा, हमारे महापौर मैडम ने भी कही है, ये सभी चीजों के ऊपर हम पूरी तरह से ध्यान देकर, मैं ये इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ कि अभी कुछ आपको कह के जाऊं और पूरी ना हो पाए, इसके लिए पहले काम करेंगे बाद में बताएंगे, ऐसा मुझे मेरे ग्रैंडमदर ने सिखाया था, वही मैं सिलसिला चलाते रहता हूँ। इसके लिए बहुत सारे लोग पूछते रहे आप कुछ बोलते नहीं है लेकिन काम दिखता है, मैंने कहा काम ही बोलता है तो मैं क्यों बोलूं। तो मैं समझता हूँ इस तरह से काम करने की कोशिश करेंगे तो देश भी आगे आएगा और उसके लिए आशीर्वाद की जो जरूरत है वो आशीर्वाद हरियाणा जैसे दूसरे भूमि से नहीं मिल सकता। इसके लिए यहाँ आने के बाद जो आशीर्वाद मिला